देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत जिला मुख्यालय पर उद्यानिकी विभाग की नर्सरी में की गई, जिसमें नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला आयुष अधिकारी, उप संचालक उद्यानिकी सहित किसान एवं छात्र शामिल हुए। पूरे देश में इस अभियान के दौरान एक वर्ष में 75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण एवं औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए जिले में 1500 पौधे लगाए जाएंगे। आमजन भी अपने घर में पौधे लगा सकते हैं। अभियान के दौरान लोगों को औषधीय पौधे वितरित किए गए। हमारा आयुष विभाग राष्ट्रीय स्तर पर एक औषधि पौधों के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा रखा गया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोरोना के इस काल में आयुष विभाग द्वारा, चाहे हमारी वैक्सीन की बात हो और चाहे औषधि वितरण की बात हो, उसके बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। और कोरोना की रोकथाम में अहम भूमिका आयुष विभाग की भी रही है। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय हमारे जो मंत्री हैं, आयुष मंत्री, उनके निर्देशानुसार मध्यप्रदेश आयुष विभाग भी कर रहा है। हमारे ज़िले में कलेक्टर महोदय और बाकी आयुष विभाग, हम सब मिलकर, जनप्रतिनिधि मिलकर जनता को जानकारी दे रहे हैं कि इस औषधि से लाभ है। और सारे हमारे जो NGO हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बंधु, उनको बांटने का काम है। आज जो कलेक्टर महोदय ने आयुष विभाग को निर्देश दिया कि जितने भी आयुष औषधि पौधे हैं जिले में, सर यहाँ जो हमारा उद्यान है इसमें वो उपलब्ध करा के उसको लिस्टिंग करके लोगों को जानकारी हो कि ये औषधि है, ये औषधि पौधा है और इसके ये लाभ है, ऐसी जानकारी यहाँ अगले सप्ताह है, अगली तारीख को एक कार्यक्रम होगा और लोगों को प्रचार प्रसार इसका किया जाए। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।